कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें, सब कुछ सेम है, कोई फंक्शन नहीं बढ़ा है, बस वही थोड़े से बटन बढ़ा दिए वहाँ पे। बाकी जो हल्का वाइब्रेशन रहता था ना गाड़ी में, अब वो भी नहीं है। ये बच्चे हैं, ये गाड़ी के पीछे पीछे ही आ रहा है देखते हुए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये है 2023 मॉडल ब्रांड न्यू थार। तो ये हार्ड टॉप है, मैंने इससे पहले सॉफ्ट टॉप की बनाई थी, तो ये उसकी कुछ की है और थोड़े चेंजेस हुए हैं इसके, बटन वगैरह कुछ अंदर चेंज हुए हैं, कुछ फंक्शन बढ़ाएं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी पहले आप गाड़ी का लुक देख लीजिए। ये देखिए, सब कुछ सेम होता है हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप में। तो ये इसका नंबर भी अभी चढ़वा के लाए हैं, आज ही नंबर आया है, बाकी इससे पहले नंबर भी नहीं चढ़ा हुआ था। ये देखिए कुछ इस तरीके की मस्त है, बाकी सारा कुछ सेम ही है इसमें, सब कुछ सेम है मस्त। तो अब जो थार आ रही है 11 लाख रुपए में आ रही है, ठीक है, लेकिन उसमें एक चेंजेस हो गया है। जो 11 लाख की आ रही है, अब आप ले सकते हो, 4x4 नहीं होगी वो, 2x2 होगी, बाकी सब कुछ सेम है उसमें, ठीक है। बाकी जो इसमें मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा था बटन चेंज, ये देखिए, तो यहाँ पे जो ये जो है, ये बटन थोड़े से बढ़ा दिए हैं बस, बाकी यही चेंज हुआ है, बाकी इसमें और कोई चेंज नहीं हुआ है 2023 में। की भी सेम ही है जैसे पहले थी, सब कुछ सेम ही है, स्पीकर भी यहीं पे आ रहे हैं, कुछ चेंज नहीं है। बाकी पकड़ने के लिए भी, ये भी हार्ड टॉप में, सॉफ्ट टॉप में भी दे रखा था और हार्ड टॉप में भी है। बाकी ये आर्म रेस्ट दिया हुआ है बस। लाल कलर बढ़िया है, कलर बढ़िया है, बढ़िया ही दिखता है रोड पे। तो ये जो है, ये सब टॉप मॉडल है ना, तो ये सब कुछ साथ में मिला है। बाकी एक चीज और पीछे बढ़ा दी है, मैं दिखाता हूँ आपको। पीछे तो ऐसे ही जाना है। बाकी एक चीज, जैसे लोग पहले कहते थे ये खाली जगह दी है, यहाँ कुछ दे देते, बाकी ये देखिए आर्म रेस्ट दे दिया है इधर, बाकी कप होल्डर वगैरह दे दिए, इधर भी आर्म रेस्ट दे दिया है स्पेस स्पेस देखने के लिए, बाकी इधर कप होल्डर दे दिए, बहुत सही है मस्त। तो अजीम भाई ये रहे हमारे, अजीम भाई कितने की पड़ी है लगभग? भाई गाड़ी तो 17 की थी, लेकिन एसएससी लगा के 18 में पहुंच गई है। वैसे 17 की थी, है ना? वैसे 17 की थी। तो ये सब चीजें जितनी भी हैं, ये सब स्टॉक है ना अभी? मतलब आपने लगा लगाया मिला सब? लगाया मिला। ये देखिए, तो 2023 में कुछ इस तरह की गाड़ी आ गई है, कुछ भी चेंज नहीं करवाया, सब कुछ स्टॉक ही है इसमें। बाकी चाबी भाई का भी कुछ ऐसा ही लुक है, वैसे ही खुलती है सेम। बाकी हमारे साथ बिरो भी है, बिरो को लग रही ठंड, बहुत टाइट है इस टाइम, घुमाना बहुत कर रहा है, स्टार्ट करके ही घूमेगा। चलो स्टार्ट ही कर लेते, घूम ही नहीं रहा। अच्छा उधर को घूमा हुआ ही है। हाँ, तो ये इसमें ये भी दिखा रहा है, देखिए किधर रोटेट करे हुए टायर, ये फंक्शन भी बढ़ गया यार एक। ये देखिए अभी 10 डिग्री और मुझे राइट करना। अच्छा ये देखिए अब हो गया सीधा, ये फंक्शन भी बढ़ गया इसमें, बाकी सब कुछ सेम ही है, मस्त गाड़ी है। लेकिन 11 लाख रुपए में भी आपको यही गाड़ी मिलने वाली है, कल उस लॉन्च हुई है, तो आप ले सकते हैं 11 लाख रुपए में थार कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को 4x4 का यूज़ नहीं है ना, वो ले सकते हैं, काफ़ी मस्त है यार देखिए। बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें, सब कुछ सेम है, कोई फंक्शन नहीं बढ़ा है, बस वही थोड़े से बटन बढ़ा दिए वहाँ पर। डिग्गी में भी स्पेस उतना ही है, ठीक है, काफ़ी भारी है यार। बाकी यहीं से चाबी लग के ही, वही सिस्टम है, चाबी लग के ही खुलेगा ये, देखिए। और ये रेड कलर की थार है, ये पड़ी है 18.5 लाख की, मस्त। चलो इसकी ड्राइव लेते हैं, बाकी क्या ही बताऊँ इसके बारे में, सब कुछ पता ही है। तो 2023 में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है गाड़ी में, सब कुछ वैसा ही है। तो जो 11 लाख की थार जो आ रही है ना,
11 लाख की जो थार आ रही है उसमें भी सेम है। बाकी ये लोगो बहुत प्यारा दे दिया यार महिंद्रा ने, मस्त। बाकी ये टॉप मॉडल है, यहाँ पे सब कुछ है, यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं आप। बाकी पीछे बैठने का वही सीन है, वहां से झुका के ही आप पीछे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। बाकी फोर डोर भी आने वाली है, मतलब थार के काफी वेरिएंट आने वाले हैं गाइस। तो अभी ये 2023 मॉडल गाड़ी है, ब्रांड न्यू रेड कलर की, जोशी के जैसी, ठीक है। ये भी एक यूट्यूबर भाई है हमारे, अजीम भाई, उनकी गाड़ी है भाई, अभी लिए उन्होंने 23 में, मस्त। देखिए गाइस स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ गाड़ी है ये, इसका तो जलवा ही अलग है यार रोड पे, मतलब लोग देख रहे हैं इसका भाई जलवा अलग है यार। हमें भी दिलवा दो गाइस, सारे यूट्यूबर्स के पास है, हमें भी दिलवा दो यार। बाकी अभी लेते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव कि कैसी चल रही है। एकदम मस्त है भाई गाड़ी, देखो भाई साहब, मुझे। बाकी ये सामने ट्रॉली जा रही है ना, ऐसा लग रहा है मैं जितने ऊंचे ट्राली है इतने ही ऊंचे पे बैठा हूँ यार। भाई विजिबिलिटी बहुत क्लियर है इससे यार, बहुत साफ दिखता है, एकदम मस्त। बाकी 13 का एवरेज दे रही है लगभग, ये 13.5 का एवरेज पे भी इम्प्रूवमेंट करा है इसके, 2x2 है करीब, हाँ 2x2 पे ही है, तब दे रही है। हाँ 4x4 करेंगे तो जरा कम देगी, लेकिन मस्त एवरेज दे रही है। और सिटी मोड पे लगी हुई है ये, 4400 किलोमीटर, वो 4044 किलोमीटर चला ली लगभग भाई ने, मस्त। उनका भी हैवी काम है, ज़रा लंबे जाते रहते हैं, देख रहे हैं भाई, मस्त। बाकी जो हल्का वाइब्रेशन रहता था ना गाड़ी में, अब वो भी नहीं है, स्टेयरिंग वाइब्रेट करता था, अब देखो मैं एक हाथ से चला रहा हूँ, बिल्कुल वाइब्रेट नहीं है, वाइब्रेशन ख़त्म हो चुका है, समझिए आप। पहले बहुत वाइब्रेट करती थी गाड़ी, अब ऐसा कुछ नहीं है। और मैं सिटी में चला रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल, दूसरे तीसरे गियर में, 13 का एवरेज निकाल ली, मस्त। तो इतना बड़ा इंजन 13 का एवरेज निकाल रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई। थार लेके कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, मजा आ गया। देखिए गाइस थार लेके कैसा लगा? एक नंबर गाइस, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बेहतरीन। अभी लाल गाड़ी का हम रिएक्शन दिखाते हैं, देखो पब्लिक रिएक्शन कैसे देख रहे हैं लोग, ये देखो इस टाइम पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड कर ले फिर, ये देख क्या सिस्टम है, ये देख कैसे देख रहा था वो है भाई, इसका रोड पे बहुत कर रहा, मतलब से देखिए ये बच्चे हैं, ये गाड़ी के पीछे पीछे ही आ रहा है देखते हुए, बहुत दूर से भी जा रहे हैं पीछे पीछे आ रहे हैं। ये गाड़ी आ रही है थार, तो बहुत अमेजिंग है, मतलब सेम एज इट इज है, जैसे 4x4 है, इसमें भी डीजल और दोनों वेरिएंट हैं इसमें। तो अभी इस साल 2023 में थार के काफी सारे मॉडल आने वाले हैं, 2x2 आ रहा है, 4x4 तो पहले से ही चल रहा है, और एक फोर डोर वाला भी आ रहा है। तो जिसे मतलब जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी ना, उस हिसाब से थार ले सकता है। तो अब जिस बंदे का ड्रीम होता था ना थार लेना, वो आराम से ले सकता है, 2x2 में भी आ गई है। तो मैं भी सोच रहा हूँ शायद मैं ले लूँ, आप लोगों की दुआ रही तो मैं ले लूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, तो
तो मैं ज़रूर लूँगा। आई होप आपको वीडियो मज़ा आया होगा, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।